नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। निगरानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का स्कूल कॉलेजों का निर्देश, शिक्षक अवरोज विभाग को बताएंगे उपस्थिति श्रीमान। जी हाँ, पहले जो टीचर थे, टीचर हैं और टीचर जो बनने वाले हैं उनके लिए न्यूज होने जा रहा है, क्योंकि पहले जितने भी टीचर थे वो एब्सेंट हो जाते थे डायरेक्ट, लेकिन नहीं, अब उपस्थित श्रीमान उनको बताना होगा। यानी कि अब धोखेबाजी शिक्षा विभाग के साथ आप नहीं कर सकते हैं। हाजिरी की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा स्पेशल सेल। डीओ और डीपीओ से अपर मुख्य सचिव लेंगे जानकारी। वर्ष 2009-10 में उपस्थित जांचने को बनाई थी सेल। तकनीकी शिक्षा संस्कृति पाली डिग्री वाले भी बन सकेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी की संशोधित अधिसूचना। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर दैनिक भास्कर में छपके आ रही है और आज के डेट में पटना से कहा जा रहा है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेज व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रति और पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए विभाग में अलग सेल भी बनाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को कार्यभार संभालते ही अधिकारियों की शिक्षकों की उपस्थिति की रोजाना मॉनिटरिंग का टास्क सौंपा। सभी जिले के डीओ व डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में उन्होंने कहा कि प्रथम फेज में स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर फोकस होकर निरीक्षण करना है। दूसरे फेज में स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति जांच जाएगी। निरीक्षण के लिए अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराई जाएगी। डीओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे बीसी से ली जाएगी। जिस कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन नहीं है वहां तत्काल लगाई जाए। डीओ डीपीओ से अपर मुख्य सचिव लेंगे जानकारी। प्रतिदिन कितने स्कूलों का निरीक्षण किया गया, कहां कितने शिक्षक उपस्थित मिले, बिना आवेदन कितने गायब मिले, बच्चों की उपस्थिति कितनी थी, स्कूलों में मिड डे मील क्यों नहीं बने, ऐसी जानकारी अपर मुख्य सचिव डीओ डीपीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद लेंगे। इधर 2009-10 में उपस्थिति जांचने की बनवाई थी सेल। के फाटक जब 28 जुलाई 2009 से 4 अक्टूबर 2010 तक शिक्षा विभाग में सचिव थे, तब उन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति जांचने के लिए विभाग में मॉनिटरिंग सेल बनवाई थी। प्रत्येक कार्य दिवस पर कॉलेजों से 2 समय हाजिरी जांची जाती थी। अब देखिए, तकनीकी शिक्षा संस्कृत पाली डिग्री वाले भी बन सकेंगे शिक्षक। विभाग ने जारी की संशोधित सूची। कल इसका एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से। इसमें कहा जा रहा है कि अब तकनीकी शिक्षा की डिग्री और संस्कृत पाली डिग्री वाले भी समान विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 बन सकेंगे। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति संबंधी संशोधित अधिसूचना जारी की है। 19 मई को जारी अधिसूचना में समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री और संस्कृत पाली डिग्री वाले को शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया था। कक्षा 11 व 12 में गणित शिक्षक के लिए योग्यता में स्नातक स्तर पर गणित के साथ 2 विषयों में से 1 विषय स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस या BCA की योग्यता को भी मान्यता दी गई है। तो उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।